क्या है? तो आइए हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं या देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रात्रि के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। जब हम टॉर्च का प्रयोग करते हैं या लालटेन का प्रयोग करते थे पहले या कैंडल का प्रयोग करते थे, तो हमें क्या होता था, जो रोशनी मिलती थी जिसकी सहायता से हम साफ साफ किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश क्या करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपने रात के अंधेरे में टॉर्च का प्रयोग किए होंगे, उसमें देखे होंगे जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, या गाड़ी, जीप, रेलगाड़ी, कार के हेडलाइट में देखे होंगे, या छप्पर से निकलने वाले सूर्य की किरणों को देखे होंगे जो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब आइए जानेंगे जो प्रकाश के परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन हम जान देंगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में जो बदलाव आते हैं वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। साधारण शब्द हम कह सकते हैं कि किसी मिरर या आईना या थाली लेकर सूर्य की ओर रखेंगे या उस पर जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे जो रिफ्लेक्सिव होता है, जो प्रतिक्रिया होता है, वहाँ से जो उसे लौटाया जाता है प्रकाश को दूसरी ओर, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी भी चमकदार वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, वहाँ से जो उसे उस प्रकाश को मोड़ कर परिवर्तित किया जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब आइए जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? दर्पण कांच की वह भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है, वह दर्पण कहलाता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कांच का वह भाग जिसकी एक ओर चिकनी तथा दूसरी ओर कलई की हुई हो, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब आप जानेंगे जो समतल दर्पण क्या होता है। तो आइए जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में जाए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सीधा वस्तु के समान साइज का दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण द्वारा, वो दर्पण के पीछे बनती है। समतल दर्पण उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। समतल दर्पण उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उससे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर किसी गोले को काटा जाए तो दो सतह मिलेंगे जिससे दर्पण आसानी से बनाया जा सकता है। उस कटे हुए गोले को ऊपरी भाग अगर कलई करेंगे, बाहरी भाग कलई करेंगे, तो अंदर की सतह चमकीला दिखने लगेगी जिसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। उसी प्रकार उसके विपरीत उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण जाने पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिस गोलीय दर्पण की भीतरी सतह कलई की हुई हो तथा बाहरी भाग चमकीला होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी गोले के एक टुकड़े को जिसे अंदर की भाग अगर कलई कर देते हैं तो बाहरी भाग चमकीला दिखने लगता है जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब उत्तल दर्पण के प्रकार के बारे में जानिए। उत्तल दर्पण से क्या क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है? जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जहाँ पे हमें टॉर्च का रोशनी दिखलाएंगे और वहाँ से जो प्रकाश वापस में आता है हमारी ओर प्रतीत होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों जैसे आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर में क्या होता है, उसे पर्दे पर उतारा जाता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग आइए जानते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। नाक, कान तथा गला के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए भी किया जाता है।
आवर्धित प्रतिबिंब के लिए सैलून में किया जाता है, हेडलाइट, टॉर्च, लैंप इत्यादि में किया जाता है, परावर्तन दूरदर्शी में किया जाता है, दंत चिकित्सा में किया जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से कई और हैं जो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अब आप जानेंगे जो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद दर्पण कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्टील लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में भी बहुत किया सारी जाता जानकारी है। आपको बतला दिए हैं। अब आइए जानते हैं लेंस के बारे में। लेंस दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वैसी लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत हो, यानी बीच में मोटा हो, उस लेंस को हम जो है उत्तल लेंस कहेंगे। और वैसी लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो, उसे जो है अवतल लेंस कहेंगे। तो अब आइए जानते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है। तो अवतल और उत्तल लेंस में दोस्तों इस प्रकार का अंतर है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोट होते हैं, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि के लिए किया जाता है। फिर तीसरा दिया हुआ है, इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की इकट्ठा करने में मदद करता है, उत्तल लेंस जो है प्रकाश को इकट्ठा करने में मदद करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाने में मदद करता है दोस्तों। तो हमने कई सारी जानकारियां ले ली हैं और आगे लेते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जानेंगे जो लेंस का उपयोग क्या क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी कैमरा गाड़ियों की साइड मिरर में किया जाता है, जबकि अवतल लेंस का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट दाढ़ी बनाने में, कान नाक में भी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है जांचने के लिए। इसे भी हम अंतर कह सकते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि वस्तुओं को उत्तल लेंस के अत्यंत निकट रखा जाए तब प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा आवर्धित होगा। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को पूरा देखते रहें, और अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।